सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई है और हम सभी को एक प्रकार का भय है। हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस महामारी से हम अपना बचाव किस तरीके से करें और इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इसीलिए आज हमने हमारे महाविद्यालय में COVID-19 के नोडल अधिकारी चित्तौड़गढ़ डॉक्टर अनीश जैन सर को आमंत्रित किया है। सर, आपका महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो COVID-19 है या कोरोना है, वो है क्या चीज़? कोरोना एक ये संक्रमित बीमारी है जिसको हम इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं। ये वायरस के द्वारा फैलती है। इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस और ये कोरोना वायरस एक RNA प्रकार का वायरस है और इससे ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, तो इसमें बचाव के लिए हम क्या करें या आम जनता क्या करें? चूंकि यह वायरस मेनली रेस्पिरेटरी रूट नाक और मुंह से निकलने वाले द्रव्य पदार्थ और हवा से फैलता है, इसलिए हमें इससे जो संक्रमित पदार्थ निकलते हवा से उससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए सबसे पहला है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें हमें 3 फीट या 1 मीटर की डिस्टेंस दो व्यक्तियों के बीच में रखनी चाहिए। कहीं भीड़ भाड़ बड़े जगह पर नहीं जावे, अगर जाना भी है आवश्यक समझें तो कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन रख के चलनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये कंपलसरी है, हम सभी को इसे फॉलो करना ही चाहिए और भीड़ भड़े स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद जो सवाल मन में उठता है वो ये है कि मुझे कैसे पता लगे कि मुझे कोरोना हो गया है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? यह पता करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उसमें 80% व्यक्ति बिना किसी लक्षण के होते हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं होता। और जो 10-15% लोग होते हैं उसमें लक्षण होता है लेकिन बिल्कुल हल्का होता है, जैसे गले में खराश होना है, हल्की खांसी चलना है, शरीर को दर्द करना है, बुखार का आना है। इसमें 5-7% लोग होते हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा इसका असर होता है, उसमें सांस का चलना है, खांसी का चलना है, कन्फ्यूजन पैदा होना है तथा नींद जैसा आना है, चलने में दिक्कत आना है, ब्लड प्रेशर कम होना होता है, ये लक्षण होते हैं। तो इसको ये अपन केवल लक्षणों से ये पता नहीं कर सकते हैं कि इसको कोरोना संक्रमित है या नहीं। इसमें हमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने में ज़्यादा ध्यान रखना है बनिस्बत कि इसके लक्षणों को पकड़ने के। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें लक्षण नहीं हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है और उसे भी नहीं मालूम कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और उसे कैसे वो महसूस करे कि मुझे जनता से दूर रहना है, उसे कैसे पता लगेगा? इसमें महत्वपूर्ण बात है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत महत्व होता है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का मतलब है यदि जो व्यक्ति ये शंका करता है कि मुझे कोरोना हो सकता है, उसको कम से कम ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, जैसे कहीं बस में यात्रा करिए, ट्रेन में यात्रा करिए, हवाई जहाज में यात्रा करिए, तो ये भी हाई रिस्क में ही आते हैं क्योंकि उसमें अपने को पता नहीं चल सकता कि कॉन्टैक्ट कौन है। तो हमको इस बात का पहले कोरोना का सस्पेक्ट अपने में करने से पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि मेरे किसी संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया हूँ या मैंने कोई ट्रैवल तो नहीं किया बाहर। तो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं मीन्स वो भी कोरोना फैला सकते हैं? बिल्कुल, एसिम्प्टोमेटिक जिनमें कोई लक्षण नहीं है वो भी कोरोना ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए हमको कोरोना से बचने के लिए जो बार बार हमें मोबाइल पे भी बार बार जो अपन किसी को रिंग करते हैं उसमें आवाज़ आती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहन के रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, तथा जो बुजुर्ग व्यक्ति है 60 साल से ऊपर हैं या हाई रिस्क हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको BP की बीमारी है, जिनको सांस की बीमारी है, जिनको एड्स की बीमारी है, जिनको कैंसर की बीमारी है, इनको घर से बाहर निकलना बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। एक और चीज़ जो सभी जानना चाहते हैं, ऐसा एक भ्रांति कहें क्या ये सच है कि जो कोरोना वायरस है वो न्यूज़पेपर या कोई भी सामान हम बाहर से ला रहे हैं उसके द्वारा भी फैल सकता है? इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है इसका बहुत, क्योंकि हमारे पास जो सामान आता है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो संक्रमित वायरस हो, और वायरस इन पेपर पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और इसलिए इससे होने की संभावना बहुत ही नगण्य है। हाँ, ये संभावना जरूर है यदि कोई व्यक्ति को जुकाम खांसी सांस चल रहा है और वो उस चीज़ को हैंडल किया उसने लंबे टाइम तक,
15 मिनट आधा घंटे से ज्यादा तो संभावना हो सकती है इसे फैलने की, अदरवाइज नहीं हो सकती। ओके, मींस अगर किसी ने जैसे न्यूज़पेपर वाले जो हॉकर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव है और मेरे घर न्यूज़पेपर डालकर जाता है तो क्या मुझे कोरोना होने की संभावना है? इसका संभावना नगण्य। इसी से बचने के लिए हमारा जिलाधीश महोदय ने एक सुपर स्प्रेडर नाम से जो रैंडम सैंपलिंग कराई है, उन्होंने पूरे अपने जिले में नाइयों का, फ्रूट सेलर्स का, इसी प्रकार से हॉकर्स का, होजरी विक्रेता का, मिठाई विक्रेता सबका सैंपलिंग कराया, यही जानने के लिए इसमें से कोई संक्रमित है या नहीं। इसलिए इसकी संभावना नगण्य हो जाती है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने से ही इसका संक्रमण हो सकता है। ये जिला प्रशासन का ये कदम सराहनीय है और हम सभी को कोरोना से बचाने के लिए जो जिला प्रशासन ये कार्य कर रहा है उसके लिए हम सभी उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक चीज़ और डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि हमारा ये कॉलेज है इसी तरीके से बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, वहाँ अभी हमने स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया है आना, तो क्या बच्चों को स्कूल या कॉलेज में अभी आने के लिए अलाउ कर देना चाहिए? इसके लिए अभी तक तो अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार राज्य सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है जिससे स्कूल और कॉलेज चालू किए जाएं। जब जब सरकार इस बारे में उचित समझेगी, उनको लगेगा कि संक्रमण का दौर कम होता जा रहा है, तो अपने आप ही गाइडलाइन जारी कर देगी, इसके बाद ही हमें अलाउ करना चाहिए। और इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स चल रहे थे मार्च में, उनमें से कुछ अभी ड्यू हैं, तो क्या हमें बचे हुए एग्जाम्स को अभी कंडक्ट करवाना चाहिए एग्जामिनेशंस? खासतौर से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, और हम भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि उनको कंडक्ट करवाएं या नहीं, और करवाएं तो क्या प्रिकॉशन लिए जाएं? यह विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो हमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, अगर विद्यार्थियों की संख्या कम है तो हमें एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉपरली डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, सैनिटाइजेशन का पूरा सामान हो, बच्चा मास्क पहन के एग्जाम देवे तथा मिनिमल पेपर्स की हैंडलिंग हो, पेन्स की किसी का एक्सचेंज नहीं हो, तब अपन ये एग्जाम करवाया जा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव बात निकल कर आई है इस वार्ता की कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग ध्यान रखें, स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड हो, हर रूम में जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर अगर हम लिमिटेड रखें तो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ आजकल बहुत चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी, ये क्या है और कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये कितनी उपयोगी है? प्लाज्मा थेरेपी से मतलब है यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो ठीक हो चुका है तो उसके अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडी रहती है, ये एंटीबॉडी हम उसको हार्वेस्ट करें, उस मरीज से ब्लड निकाल के उसका प्लाज्मा उस व्यक्ति को चढ़ाया जाए जो कोरोना वायरस से संक्रमित है तथा सीरियस है। लेकिन अभी इसकी स्टडी चल रही है, लेकिन इसके जो रिजल्ट आए हैं वो 50-50 हैं, किसी व्यक्ति में तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है और किसी व्यक्तियों में ये लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसके बारे में कंफर्म कहना मुश्किल है कि ये बहुत ही लाभदायी है। तो अभी तक मींस कोरोना को कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम 100% श्योर हों? आज की तारीख तक कोरोना वायरस का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हम उसका बचाव पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं बनिस्बत की ट्रीटमेंट के। और डॉक्टर साहब एक बात और, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड ये क्या है और किस तरीके से ये मालूम चले कि किसी भी शहर में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव आता है और हम ये पता नहीं लगा पाए कि इसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ कैसे है, तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि हमारा कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। लेकिन अभी तक अपने चित्तौड़ जिले में जितने भी कोरोना वायरस केस के पॉजिटिव आए उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेने पर पता चल जाता है कि उन्होंने एक से दूसरे को फैलाया है, इसलिए अभी अपने चित्तौड़ जिले में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। बहुत ही अच्छी खबर कि अभी तक चित्तौड़ जिले में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। इस सब के लिए पूरा प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट, आप डॉक्टर्स बिल्कुल बधाई के पात्र हैं जो आपने इसको इतना कंट्रोल किया हुआ है। और अंत में डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी, आपसे अपील करती हूँ कि आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस से बचाव के लिए और स्प्रेड को रोकने के लिए? मेरी आम जनता को, विद्यार्थियों को यही सलाह है कि आपको जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, इधर उधर बार बार बाइक्स पे या ऑटो में या कार में घूमे नहीं, तथा अगर घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहन के रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखें। और ये देखा जाए प्यार विद्यार्थी से, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी हमेशा करता है एक बाइक पे 3-3, 4-4 जने बैठ के निकलते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली एक व्यक्ति से एक व्यक्ति एक बाइक को ही यूज़ करे, दूसरे व्यक्ति को भी उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और जरूर आवश्यकता हो दो व्यक्ति बैठे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क लगा के रखें, इससे संक्रमण से बचा सकते।
बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छी सलाह डॉक्टर साहब आपने दी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है। खास तौर से जो विद्यार्थी वर्ग सोशल डिस्टेंसिंग का कम ध्यान रखते हैं उन्हें ज़्यादा अवेयर होना है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in three generations that we are facing. But they are of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. This is a new virus, so it has got a very big ego. It will not come to your house unless you go out and invite it. So stay home, stay safe. This is not the social stigma if you arrive from abroad. Just quarantine for 2 weeks and save lives. Avoid unnecessary waste and misuse of the mask. Use normal surgical mask in case you are symptomatic. N95 mask is only for the healthcare worker use. Be safe at home. Seniors are most prone to catch the infection and they have highest mortality for COVID-19 because they have weak immune system, poor biological reserve, and they have multiple disease. So they must stay at home. My simple message to all of you today, especially heart patients, is that kindly, strictly follow the message of social distancing. It is to keep you safe and healthy. If you have common cough and cold, and if you are not traveled abroad, or you are not in touch with a person who has come from abroad, or you are not in a touch with any patient who has this disease, you do not have to worry, or you do not require any testing. Be at home. We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. Some people who will get infected by coronavirus may land up into an ICU if their condition deteriorates. It is better to stay home for 21 days and not get admitted to an ICU. The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter. And that is why it's important to maintain social distancing.